अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी बनाने की रेसिपी। आज से बनाना शुरू करते। इसे बनाने के लिए पतीला लें। पतीले में आधा कप ऑयल शामिल करें। फिर इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक स्लाइस में काट कर शामिल करें और भिंडी शामिल करें। यहाँ पे मैंने 1 किलो भिंडी लिया है। भिंडी शामिल करने के बाद अब इसमें 2 अदद बड़ी वाली मिर्चों को बीच में से दो करके शामिल करें। भिंडी, प्याज और मिर्चों को अब अच्छी तरह से फ्राई करें। अब आप देख सकते हैं कि भिंडी और प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, तो भिंडी को निकाल कर प्लेट में रख दें। पतीले में से तमाम भिंडी को निकाल दें। फिर एक बॉयल में पानी शामिल करें। इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसे साइड में रख दें। फिर पतीला लें। पतीले में आधा कप ऑयल शामिल करें। इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक स्लाइस में काट कर शामिल करें। प्याज जब थोड़ा सा नरम हो जाए तो फिर इसमें 1 चम्मच साबित ज़ीरा शामिल करें। ज़ीरे को यहाँ पर अच्छी तरह से कुक करें। जब ज़ीरे की खुशबू आने लगे, खुशबू आने के बाद इसमें टमाटर शामिल करें। प्याज को यहाँ हमें ब्राउन नहीं करना, सॉफ्ट ही रखना है। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक काट कर शामिल किया है। फिर इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें। लहसुन और अदरक के पेस्ट को अब टमाटर में तकरीबन 2 मिनट तक कुक करें। जब टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, सॉफ्ट होने के बाद फिर इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर शामिल करें। अब इसे मिक्स करें। फिर इसमें मसालों का पेस्ट शामिल करें। पानी में मैंने हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाले को पेस्ट बना लेते हैं, उस पेस्ट यहाँ शामिल करें। फिर इसमें हसबे ज़ायका नमक शामिल करें। नमक शामिल करने के बाद अब इसे तकरीबन 10 मिनट तक अच्छी तरह से कुक करें। टमाटर को अच्छी तरह कुक करने के बाद अब इसमें 3-4 अदद हरी मिर्चें शामिल करें। इसे मिक्स करें। मिक्स करने के बाद फिर इसमें आधा कप पानी शामिल करें। पानी को तकरीबन 2 मिनट तक कुक करें। फिर इसमें फ्राई किया हुआ भिंडी और प्याज शामिल करें। जो भिंडी और प्याज मैंने पहले फ्राई करके रखे थे और शामिल करें, उन्हें मिक्स करें। हल्के हाथ से मिक्स करने के बाद अब इसे ढक कर तकरीबन 10 मिनट तक कुक करें। 10 मिनट कुक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि भिंडी बनकर तैयार है। तो लास्ट में इसमें बारीक कटी हुई धनिया शामिल करें। धनिया शामिल करने के बाद अब इसे डिश आउट करें। अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी की सब्ज़ी बनकर तैयार थी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अपने अपने घर वालों का, खासकर अपने वालदेन को बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।